में में सम ऑफ ऑल द रिएक्शन जो हमारी बॉडी टेक प्लेस करते हैं दे द रिएक्शंस आर रिएक्शन और वेदर दे आर एनाबोलिज्म इन सब के सम ऑफ uh, जो टोटल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं मेटाबोलिज्म कहते हैं तो कैटाबोलिज्म किसे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं और जब um, कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं एनाबोलिज्म uh, कहते हैं उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट्स हो गए जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स लिपिड्स वाइटामस उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड देयर मोनो यूनिट्स यानी आरएनए और डीएनए के डीएनए के अगर हम मोनो यूनिट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं इसी तरह प्रोटीन एमानो एसिड्स वगैरह ये हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गई गय, हो गए जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में उसके बाद हम मेरा जो मेन टॉपिक है अब हम उस, उसकी तरफ आते हैं जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हो गए जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं डायरेक्टली किसी डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को इकोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं मतलब ये है कि एको, एकोलॉजी में इन्वामेंट में उन्हें एडजस्ट कराने के लिए मतलब ये अपना फंक्शन रोल प्ले करते हैं जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एंटीबायोटिक से 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 गम से, रिजिन से, लिग्निन है है कैफीन है। इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फर्स्ट टर्म यूज किया था या ये टर्म जो दिया था वो अलब्रेज कोसल कोई साइंटिस्ट था उसने ये टर्म दिया था उसके बाद हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कंपेरिजन देखते हैं प्राइमरी uh, मेटाबोलाइट्स हमने पहले भी कहा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन प्रोसेसेस में उसके बाद प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पॉइजनस नहीं होते हैं जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वाइटाम्स है लिपिड्स है ये हमारे पास पॉइजनस नहीं होते हैं जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ मेटाबोलाइट्स या कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं पॉइजनस होते हैं यानी बॉडी के लिए वो खतरनाक होते हैं widely produced and in large amount यानी yani primary metabolites यानी yani widely produced का मतलब ये है कि किसी भी plant में हर कस्म के plant में क्या ये जो primary metabolites होते हैं ये produce होते हैं और ज्यादातर large amount में produce होते हैं जबकि secondary metabolites का ये है कि ये plant के कुछ families में produce होते हैं कुछ मखसूस families में produce होंगे और उस family में भी अगर जिस plant में ये produce होता है तो उस plant में भी एक खास part में produce होगा जैसे हमारे पास कैफीन है कैफीन टी प्लांट एक प्लांट होता है टी प्लांट को हम थ, थ, प्लांट होता है, होता है।, no ये जो है या प्राइमरी मेटाबोलाइट इनका कोई डिफेंसिव एडेप्टिव पर्पस नहीं होता है प्लांट्स के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर देखें तो हमारे पास जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनका

करते हैं एज अ हमारे पास वो डिफेंस पर्पस काम करते हैं इसी तरह अगर हम एडेप्टिव पर्पस की बात करें तो एडेप्टिव पर्पस में हमारे पास लिग्निन है ठीक है लिग्निन क्या करता है जो ट्री प्लांट्स है या लेन प्लांट्स है उनमें वाटर की प्रिव, वाटर की लॉस को क्या करता है प्रिवेंट करता है तो ये एज अ मतलब प्लांट के लिए एज अ के तौर पे ये अपना फंक्शन प्ले रोल कर, अदा करता है इसी तरह हम, हम हमारे पास है इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड नॉट एक्सपेंसिव ठीक है हमारा इजी इजी टू एक्सट्रैक्ट का मतलब यह है कि ये ज्यादातर हम लेबोटरीज वगैरह में भी शुगर वगैरह के आ, जो है स्ट्रक्चर वगैरह हमें दिखाए जाते हैं उनके मतलब रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं लेकिन आ, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये रेयरली पाए जाते हैं तो इनका कोई इस तरह का कोई वो हमें मतलब ये इजिली एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं उसके बाद है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उनकी स्पेसिफिक फंशिंग होती है जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से मतलब लिपिड्स है ठीक है एनर्जी एनर्जी एज एनर्जी सोर्स के यूज पे यूज होते हैं या प्रोटीन है तो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में सेल्स स्ट्रक्चर वगैरह में ये अपना फंक्शन यानी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शिंग होता है लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट से इनका कोई खास स्पेसिफिक फंशिंग नहीं होता है डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट तरीके से उनके फंक्शिंग के बारे में बता देते हैं इसी तरह अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की डिफिशंसी हो गई प्लांट में या एनिमल में भी तो उन डेथ हो सकता है लेकिन अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर डिफिशंसी हो गई तो इस तरह की कोई सिचुएशन सामने नहीं आती है इसी तरह हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स खुद क्या करते हैं प्लांट्स के बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप है जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं यानी ये कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके जो प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबलाइस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है टर्पिनोइड फिनाइल फे, प्रोपेनॉइड इनको फिनोलिक भी कहते हैं अल्किल अल्कलॉइड होता है उसके बाद पॉलीकीटाइड अभी टर्पीनोइड में हमारे पास जो मोनो है या ठीक है सिंगल जो मॉलिक्यूल वो है यूनिट है उसमें का, फाइव कार्बन कार्बन होते हैं और जो उनका जो पॉलीटर्पीन है उसमें कार्बन 40 कार्बंस होते हैं इसी तरफ